हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस इन्फॉर्मेशन बुंदेलखंड में। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएटी की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना, कि जो पहले ही रजिस्ट्रेशन है उसी में सब कुछ होना है, ठीक है। तो मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हमें मिला है वो इस प्रकार है। देखो, जैसे अगर आपने पहले पंजीयन करा लिया है तो अब आपको पंजीयन कराने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आपको केवल आवंटन पत्र मिलेगा। और जब आपको आवंटन पत्र मिल जाएंगे तो आपको बस कुछ नहीं करना है, मतलब अलॉटमेंट लेटर आपको मिला ऑनलाइन, आपको बस क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज पर चेक करते रहना है। आपको मिला तो आपको 5,000 रुपये जो है ऑनलाइन जमा करने होंगे, जो कि आंशिक शुल्क होता है, ठीक है। और फिर जब आपको अलॉटमेंट मिलता है तो जब आपको कॉलेज में जाना पड़ता है उसके बाद में बाकी की फीस आपको वहाँ पे करनी होगी और वहाँ पे आपका प्रवेश पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ये जो नीचे दे रखा है तृतीय चरण का प्रवेश कार्यक्रम, मतलब कि काउंसलिंग के दिनांक, जो कि पहले जब आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता है जो 26/2/2021 से शुरू होगी और 2/3/2021 तक चलेगी। और काउंसलिंग शुल्क का, आंशिक शुल्क का जो ऑनलाइन भुगतान करना है वो आप 26/2/2021 से 3/3/2021 तक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, आवंटित महाविद्यालयों से शुल्क भुगतान आप 2/3/2021 से 6/3/2021 तक कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग संबंधी कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताएं या फिर आप पूछ सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पर। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप पूछ सकते हैं सीधे मुझसे इंस्टाग्राम पर। और अगर आप ये सूचना पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिस लेवल से www.rvskvv.net पर जाकर या jnkvv.org पर जाकर या क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर आप ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं।